करना, ये बीमारी होने के बाद देवताओं के पास जाना, वही कार्य करना, इलाज न कराना, उन सब चीज़ों को दूर करना है। पूरे विश्व में लगभग 5 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और प्रतिवर्ष विश्व में लगभग 50 लाख लोग बीमारी से नए पीड़ित हो जाते हैं। भारत में लगभग 1 करोड़ लोगों को मिर्गी की बीमारी होती है और हर वर्ष 10 लाख नए लोग जुड़ जाते हैं। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में बीमारी होती है। बीमारी के यदि हम प्रकार देखें कि मिर्गी जो दौरे पड़ते हैं, एक दौरा है जिसमें कि रोगी हाथ पैर कंपन होता है, मुंह में झाग आती है, आँखें उड़ जाती हैं, ये एक प्रकार का दौरा है। इसके अलावा बहुत से दौरे होते हैं जिसमें कि अचानक से हाथ पैरों में कंपन होना केवल, या शरीर में केवल झटके आना, या हाथ पैर में करंट टाइप की सिम्टम होना, या बुद्धि का सामान्य व्यवहार करना, या बच्चा छोटा होता है अचानक से झाँकने लग जाना एक स्थान पर फिर ठीक हो जाना, ऐसे भी दौरे पड़ते हैं। ये भी अपने आप में मिर्गी के एक तरह के दौरे हैं, उनको भी प्रॉपर जांच की और उपचार की आवश्यकता होती है। लगभग 70% केसेज ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर ट्रीटमेंट करें तो हम लोग बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ठीक कर सकते हैं। बचे हुए 10% केसेस और लंबे उपचार की आवश्यकता होती है, और 8 से 10% केसेज ऐसे होते हैं जिनको कि हम लोग प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाते हैं, उनको भी आजकल एपिलेप्सी के ऑपरेशन वगैरह की सुविधा उपलब्ध हो गई हैं, उनको भी हम लोग काफ़ी अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। मिर्गी के कारणों के बारे में एक दिमाग में प्रश्न आएगा, भाई क्यों होती है मिर्गी, क्या कारण हो गए जिनको मिर्गी की बीमारी पड़ गई। तो जांच पड़ताल से लगभग 50% केस ऐसे होते हैं जिसे हम लोग इडियोपैथिक एपिलेप्सी बोलते हैं। इडियोपैथिक मतलब समस्त प्रकार की जाँचें सामान्य होती हैं लेकिन ब्रेन के केमिकल का डिस्टर्बेंस होने की वजह से रोगियों को दौरे पड़ने लग जाते हैं। बच्चे में जो 50% केसेज होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, मतलब मस्तिष्क